एबीपीएस न्यूज सच का साथी। राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी तत्वाधान में लखनऊ में दारुल शफा कॉमन हाउस में 40 दलों के अध्यक्षों की बैठक राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यश गोपाल राय की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से तमाम लोगों को इस बात की जिम्मेदारी दी गई कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम सभी दल मिलकर जिसकी संख्या जितनी भारी होगी उसकी इतनी हिस्सेदारी होगी के तहत चुनाव लड़ने को मिलेगा। इस मौके पर राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश पूर्वांचल राज्य बुंदेलखंड व पश्चिम प्रदेश निर्माण किसानों की ऋण माफी के लिए और इसके साथ साथ किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इस मौके पर तमाम लोग मौजूद रहे। मैं गोपाल राय, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। आज यहाँ हमारे 40 दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग बैठे हुए हैं। आज की बैठक में हम सभी लोग आगामी जो 2019 लोकसभा चुनाव और 2022 में विधानसभा चुनाव होगा उस परिप्रेक्ष्य में हम सभी लोग बैठे हैं। इसमें हम लोगों का मुद्दा पूर्वांचल राज्य पश्चिम प्रदेश, इसके अतिरिक्त बुंदेलखंड राज्य की मांग, किसानों की समस्या को लेकर, जैसे किसानों के लिए बीमा, विदेशों में 40,000 रुपये प्रतिमाह गरीब किसानों को दिया जाता है वो स्थिति लागू हो, बेरोजगारी समस्या के लिए जब तक बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलता उनको मासिक भत्ता दिया जाए, इन सब मुद्दों को लेकर के आज हम लोग बैठे हुए हैं। सभी 40 दल के लोग आज अभी हम लोग शाम को 3 बजे शिवपाल जी जो समाजवादी सेक्टर मोर्चा के संयोजक हैं हम लोग उनसे मिलेंगे। आज मिलने के बाद हम लोग जिसकी जैसी पोजिशन होगी उन्हें जैसी जिसकी भागीदारी वैसी उसकी हिस्सेदारी के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में हम सभी लोग शिरकत करेंगे और जितनी समस्याएं उस समस्या को मिल बैठ करके हम सभी लोग उसका सब सामना करेंगे और उसी मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी सरकार हम लोगों की होगी, सेंट्रल में भी जो सरकार बनेगी वो भी बिना हम लोगों के सहयोग से नहीं बन पाएगी, जिसमें बड़े भाई के रूप में समाजवादी सेक्टर मोर्चा के संगठक शिवपाल यादव जी हैं। अध्यक्ष साहब, जैसे कि आपने बोला 40 लोग संगठन है, 40 लोग का सीटों का बंटवारा भी तो होगा। बिल्कुल बंटवारा होगा। क्या होगा? यहाँ देखिए हमारे बिहार, यूपी और कई स्टेट में है संगठन, ऐसे लोग भी हैं और जरूरी नहीं है उसमें, कुछ ऐसे भी दल हैं जो विधानसभा के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो हमने पहले कह दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर हमारी क्षमता होगी कुछ तो मैं लड़ूंगा नहीं, सपोर्ट करूंगा। हमारे डॉक्टर लतापक अली हैं, हमारे इंसान राज पार्टी के अगर जो मजबूत होगा उसको सपोर्ट करके, ये जरूरी नहीं है कि हम ही चुनाव लड़ाएं या यही लड़ाएं, उस विषय में किसी प्रकार की बात नहीं होगी। हम सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जो भी हमारे भाई मजबूत होंगे उनको सपोर्ट करें। तेज बोलिए। हमारे 40 राजनीतिक दल सहयोगी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इसके बाद हमारा माननीय शिवपाल जी से मीटिंग भी है। हम लोग सभी लोग मिलकर एक साथ सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, इस चीज़ के लिए यहाँ पे बैठक बुलाई गई है।